खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं तो लोगों को दिया ही जाएगा, लेकिन इस योजना के तहत और भी बहुत कुछ सरकार लोगों को फायदा दे रही है। योजना के तहत आने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला को 6,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये धनराशि कब और कहाँ मिलेगी। इसके लिए गर्भवती महिला को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा, ताकि जब ये महिला गर्भधारण करे तब से गर्भ में आए बच्चे की देखभाल इस कानून के तहत की जा सके। जो खाद्य सुरक्षा कानून बना है उसमें लाइफ साइकिल अप्रोच ली गई है, मतलब बच्चा जब कंसीव होता है तब से ही उसकी केयर इस कानून के हिसाब से शुरू हो जाती है। तो इसके लिए ये प्रावधान है कि जो महिला गर्भवती है उसको फ्री राशन एक तो दिया जाएगा, और वो फ्री राशन आंगनबाड़ी केंद्र से वो प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा गर्भवती महिला को उसकी बाकी जो जरूरत है, पोषण की जो बाकी जरूरतें बच जाती हैं, उसके लिए 6,000 रुपए देने का प्रावधान है मैटरनिटी बेनिफिट का। ये डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो दिल्ली सरकार का है उसके ऑफिस से मिलेगा। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थी गर्भवती महिला को इन आंगनबाड़ी केंद्रों से फ्री राशन भी दिया जाएगा। पोषण की बाकी जरूरतों के लिए गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ दिया जा रहा है। बच्चे के पैदा होने से लेकर 6 महीने की उम्र तक दूध पिलाने वाली माताओं को आंगनवाड़ी केंद्रों से फ्री राशन या फिर तैयार भोजन मिलता रहेगा। बच्चे को दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको भी जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाए तब तक आंगनवाड़ी से फ्री राशन या तो या कुक्ड मील वो ले सकती हैं। तो इस तरह से पूरी जो है लाइफ इसमें ध्यान रखी जाती है। जो स्कूल के बच्चे हैं, जो इसके अलावा जो बच्चा 6 महीने से 6 साल का है उसको भी आंगनवाड़ी से फ्री राशन मिलेगा, और 6 साल के से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो स्कूल में मिड डे मील योजना के तहत मिलेगा। जो बच्चा 6 महीने से लेकर 6 साल की उम्र का है उसे भी आंगनवाड़ी से फ्री राशन या तैयार भोजन मिलेगा, और 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल में मिड डे मील योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया है। एक तरफ 6,000 रुपए और दूसरी ओर महिलाओं को पोषक आहार देने के सरकार के इस फैसले से महिलाएं काफी उत्साहित हैं। ये सरकार की अच्छी पहल है, जो भी गर्भवती महिलाएं आंगनबाड़ी में नाम लिखवाएंगी उन्हें सरकार की तरफ से 6,000 रुपए मिलेगा। जो आंगनबाड़ी में पौष्टिक आहार महिलाओं को मिलता है, पौष्टिक आहार जिससे वो स्वस्थ रहेंगी, उनके आने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा, जिससे वो कुपोषण से मुक्त हो जाएगा, इससे उसको आगे स्वस्थ रहेगा बच्चा, गर्भवती महिलाएं भी स्वस्थ रहेंगी और उनका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। जो घर के आसपास आंगनबाड़ियां होती हैं वहां पे आके लेडीज, प्रेग्नेंट लेडियों को पौष्टिक आहार मिलता है। जो आजकल कुपोषण के बारे में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम लोग हटाना चाहते हैं, इसलिए आंगनबाड़ी में पौष्टिक आहार दिया जाता है, बच्चों को भी पौष्टिक आहार जाता है, जो आगे जाके भविष्य अच्छा उनका हो रहा है। इस कानून में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि माताओं और बच्चों को पौष्टिक आहार में कितनी कैलोरीज और कितना प्रोटीन मिल रहा है, ताकि इनका संपूर्ण पोषण हो सके। सरकार की इस योजना में कुपोषित बच्चों को भी अधिक पोषण वाला भोजन प्रदान किया जाएगा। इतने बड़े पैमाने पर चलने वाले सामाजिक न्याय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शिकायतें पैदा होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बढ़ाई जाएगी, ताकि इसकी ठीक से निगरानी की जा सके। शिकायतें दूर करने के लिए कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, शिकायत दूर करने वाले अधिकारियों और राज्य खाद्य आयोग का भी प्रावधान किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना न केवल सस्ती दरों पर अनाज मुहैया कराने वाली योजना है, बल्कि इसके तहत गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार के साथ 6,000 रुपए भी मिल सकेंगे। समेकित बाल विकास योजना और मिड डे मील को भी इसमें जोड़ते हुए अब 14 साल तक की उम्र के बच्चों को पोषक आहार मिलता रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद फाजिल और आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD News, दिल्ली।